आईफोन का क्रेज किसको नहीं होता, पाकिस्तान में सस्ते आईफोन कहाँ पे मिलते हैं? हमें किसी ने कहा कि सवात में आईफोन मिलते हैं तो हम सवात पहुंच गए। आगे ब्लॉग में देखें कि क्या होता है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सारे ठीक होंगे। मेरा नाम है शुमैर रज़ा और आप इस टाइम देख रहे हैं शुमैर रज़ा यूट्यूब चैनल। मैं अपने कज़न के साथ शाह जैनुल आबिदीन, पहले तारुफ करा देता हूँ, शाह जैनुल आबिदीन मेरे मामू के बेटे हैं, दूसरा अरबाज अली मेरे दूसरे मामू के बेटे हैं। इनके साथ मैं आया हूँ इस टाइम बहरीन सवात में। हमारे अभी प्लान्स कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन फिलहाल हम लोग मैंगोरा जा रहे हैं। मैंगोरा में हमें किसी ने बोला कि सस्ते आईफोन मिलते हैं वहाँ पे, तो आईफोन ढूंढने जा रहे हैं। अब हमें पता नहीं कि हमें वहाँ पे आईफोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन कोशिश पूरी है। ठीक है, सस्ता आईफोन हम कोई ढूंढे मेरे कज़न के लिए, मेरे कज़न ने लेना है असल में आईफोन, तो इसलिए ये जी नाश्ते वाला सुबह सुबह नाश्ता बना रहे हैं। अभी सुबह तो नहीं है, खैर 12 बजने वाले हैं, लेकिन बाज़ार लेट ही ओपन होता है। तो सैलाब के बाद अब इतना रश नहीं है यहाँ पे, सैलाब से पहले काफ़ी रश होता था, काफ़ी दुकानें होती थी, काफ़ी होटल्स होते थे दरिया के किनारे, लेकिन अभी नहीं है होटल्स वो। हम मुझे याद है लास्ट टाइम हम लोग उधर कहीं जाके ना, एक होटल था वहाँ पे बैठा करते थे, चाय शाय पीते थे। वो होटल क्या, वो जगह ही अब नहीं नज़र आती, सारा पानी पानी नज़र आ रहा है फिलहाल। दूसरा वहाँ पर बर्फ़ पड़ी हुई है, वो देखो, कोई कह रहा है कि कलाम में बर्फ़ है, कोई कह रहा है कलाम में बर्फ़ नहीं है, तो ये अब कल हम जब जाएंगे तभी देखेंगे कि बर्फ़ है कि नहीं है। कहाँ से मिलेगी बस हमें वैगन? सामने अड्डा है मैंगोरा के लिए, जो हमें वैगन पकड़नी है हमने। अच्छा, जो ये बस है ना, ये वाली बस, ये डायरेक्ट यहाँ से कराची जाती है, बहरीन से कराची, तो सही है, लेकिन लंबा सफ़र वो थका देता है बंदे को। स्टॉप करते करते आओ तो ज़्यादा बेहतर है। कराची वैसे भी पाकिस्तान के दूसरे कोने पर, ये दूसरे कोने पर है, तो स्टॉप स्टॉप सही रहता है। कराची से लाहौर, लाहौर से इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से बहरीन, सवात आ जाओ, डायरेक्ट सफ़र ख़राब करता है बंदे को। लेकिन सवात अब जब भी आओ तो गले की दवाएँ, गला ख़राब हो जाता है, तो उसकी बंदा एक दो मेडिसिन लेके लाजमी आना चाहिए। मैं भी जब कल आया तो ठीक था, लेकिन सर्दी बहुत ज़्यादा है, वेदर चेंज हुआ तो गला ख़राब हो गया था। खैर, मैंने कल मेडिकल स्टोर से ले ली थी चीज़ें, अभी तो काफ़ी बेहतर है। लेकिन अड्डा कहाँ चला गया? अड्डा किधर है भाई? थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा आगे। ये अड्डा मैंगोरा जाने के लिए। नहीं कलाम नहीं, अभी पूछते हैं किसी से यार, लेकिन थोड़ा टाइम भी लग जाएगा। बैगन पूरी होगी फिर निकलेंगे हम लोग। मैंगोरा की बस किधर है भाई? बैगन ये वाला है, केले हैं, तीन बंदे हैं, बैठ जाए। कितना किराया? 250। वो मैंगोरा में नहीं पिए? बस ठीक है, मैंगोरा के ढूंढ ली कज़न भाई, रास्ता देना। किधर बैठू? हाँ हाँ उधर जा रहा हूँ, बस में रास्ता देना अंकल जी, सबर करना। अच्छा सबर ही सबर है। मैं यूट्यूबर हूँ, सब्सक्राइब भीख मांग मांग के चैनल बनाया। टेंशन क्यों लेते हो? हम लोग निकल आए हैं बहरीन शहर से, अब मैंगोरा की तरफ जा रहे हैं। ये मैंगोरा शहर पहुंच गए हम, तकरीबन 2 किलोमीटर बाहर हैं शहर से, तो हमने उतरना है बाईपास। बाईपास से आगे मुझे तो नहीं याद कहाँ जाना है, कज़न लोगों को याद है, मार्केट ही जाना है मोबाइलों के शहर। हाँ बाईपास पे उतर गए हम अभी। तो शाहजहाँ कौन सी जगह है? बाईपास है, मैंगोरा का बाईपास है। इससे हमने यहाँ से रक्षा पकड़ना है और यहाँ से जाना है शेर, और वहाँ से जाना है सोराब मार्केट। वहाँ हम देखेंगे कि आईफोन जो हम लेने आए हैं उसकी क्या पोजीशन है। रिक्शा भाई करना पूछा कितने दूर है तो बोले क्या ना जाए। शेर भाई, शेर जाना है भाई, शेर जाना है, हाँ शेर जाना है, शेर शेर, हाँ हाँ हाँ, ग्रीन चौक शहर है ना, वो आगे बाजार जाना है, मोबाइलों की मार्केट, हाँ सोराब मार्केट, सोराब खान जाना है। हाँ जी बैठ जाऊँ अच्छा खान साहब, क्या बता रहे थे इस जगह का नाम क्या है? लेर नवे कले। अच्छा नवे कले, सराब मार्केट ये सामने वाले, यहाँ पे ओप्पो लिखा हुआ है, मोबाइलों की मार्केट है, यहाँ पे हमने आना था। अभी जिस बंदे को मिलना है उसको कॉल कर रहे हैं। यहाँ जो है ना मोबाइल पंजाब से भी महंगा है। हमने सोचा कि यहाँ हमें किसी ने बोला है कि यहाँ मोबाइल जो है ना सस्ते होते हैं,
लेकिन यहाँ जेवी जो है, जेवी वो भी 95,000 रुपए का 11 प्रो। हाँ जी, मोबाइल तो नहीं मिला हमें, मोबाइल काफ़ी महंगे हैं यहाँ पे, तो किधर उधर से मोबाइल यहाँ पे काफ़ी महंगे, तो हाँ महंगे ही हैं, ज़्यादा कोई ख़ास फ़र्क नहीं है पंजाब के रेट्स पे और यहाँ के रेट्स पे। फ़िलहाल मेरा एक दोस्त है यूनिवर्सिटी में मेरे साथ पढ़ता था, उसको मिलने जा रहे हैं हम लोग, दोस्त को मिलते हैं, काफ़ी टाइम हो गया मिले नहीं उसको। किधर गया उसे? अच्छा कज़न अभी उम्मीदों में दुकानों पर जा जाके ना रेट्स पूछ रहा है। मैंने उसको बोला यार नहीं सस्ते मिलते इधर, किधर से सस्ते मिलते, सारा सामान इस्लामाबाद से लाहौर से आता है, तो इधर किधर सस्ते मिलते हैं। लेकिन कज़न आया उम्मीद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो वो अपना माइंड बना के आया था कि आज मोबाइल लेते हैं, लेकिन ना जी मोबाइल तो नहीं मिलने लगे। कज़न आप इस बारे में कुछ कहना चाहोगे? आप बड़ी उम्मीद लगा के आए थे। नहीं, मैं उम्मीद नहीं लगा के आया था। अच्छा। मुझे ये लगा था कि जैसे नॉन कस्टम या बॉर्डर से आते हैं जो मोबाइल, उस तरह का कोई सीन है, लेकिन उस तरह का कोई सीन नहीं है, तो नॉर्मल मार्केट है जो कि हर शहर में होती है। तो सही है, हम आए हैं इधर मैंगोरा, इधर थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, घूमते हैं फिरते हैं। असल लेने मोबाइल आया था भी एक्सप्लोर पे आ गया, ठीक है, इसका मकसद मोबाइल ही था इसका। हसदे चेहरिया का मतलब यह नहीं होंगे कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होंगी, मतलब यह होंगे कि इन्होंने तकलीफा नाल डील करना होंगे। बिल्कुल सही। अच्छा कजन, अभी वो एक डायलॉग आप अगर मार दे, अच्छा सा प्रोग्राम बढ़ गया, अभी हम प्रोग्राम चौक जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। आप हर उससे तजुर्बात होते हैं जिंदगी के, बहुत सारे तजुर्बा हुआ, सीखता है बंदा। सीख रहे अब हम एक्सप्लोर करेंगे मदीन शहर। नाम ही भूल गया भाई, मिंगोरा भूल गया, मिंगोरा शहर। मैं शुमैर रजा कजन के दोस्त, स्किन के एक जूनियर है यूनिवर्सिटी के, जो कि उनसे हम मिलने हैं ना उनकी जगह पे। रात वो कह रहे हैं कि हमारे पास रुक जाएं, हम यहाँ सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि हम इधर रुकें कि ना रुकें। ये हमारे एक और कज़न जो कि पड़े हुए हैं लम लेट हैं, और ये मैं हूँ, और ये शुमैर रजा जो कि सही नहीं आ रहे कैमरे में, क्योंकि जी मैं पीछे हो जाता हूँ। आप बताओ कि आप कह रहे थे कि नक्शे कदम ये पूरा साल आगे घूमने का है। पूरा साल हमारा घूमने का है, ये पूरा साल हमने रिसेंटली, मैंने और अरबाज अली ने बलूचिस्तान का टूर किया है, जैसा कि आपको भी मालूम है बलूचिस्तान हम तकरीबन एक हफ्ता हमने ये जो ट्रैक किया इसको नहीं शुमैल दादा का, मैं शुमैल को पता होगा, हमें बलूचिस्तान का एक ट्रैक किया, यहाँ से हम गए हैं फोर मिनरू से बेहतर बेहतर जाके हम बरास्ता मेकर लोलाई जाके कोटा, और कोटा में हम जो है घूमे दो तीन दिन मार्केट वहाँ से, अब हम खैबर पख्तूनख्वा आए हैं, और इसके नेक्स्ट हमने जाना है कराची। हमने पूरा सिंध एक्सप्लोर करना है। हमने कराची मलीर गुडाग आई थिंक कोई एरिया है, उधर जाके रहना है, और हमने उधर का फूड, स्ट्रीट फूड ट्राई करना है सारा। हमने उधर ये बिहारी पानी पूरी, इसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं उधर खाने पीने के लिए, और हमने लियारी में फुटबॉल, मैं भी फुटबॉल खेलता हूँ 4-5 साल से, उधर जाके फुटबॉल भी खेलेंगे और आपको भी दिखाएंगे साथ के साथ। नेचुरली आगे के असा जड़ा है ना, ये सरेखी है जाना नेचुरल। चलो उर्दू जाने, हम जो है ना आए हुए थे, हम कज़न आए हुए थे इधर सस्ते आईफोन लेने जो कि हम बहरीन से तकरीबन 3-4 हज़ार रुपये का खर्चा करके इधर आईफोन लेने आए, सस्ते आईफोन। लेकिन इधर जब हम दुकान में घुसे हैं, तो दुकान वाले ने जब 10,000 रुपये रेट ज़्यादा बताया पंजाब से, तो हमारी ज़िंदगी का वक्त, हालात, जज्बात, हर चीज़ बदल गई है, और हमने दुख में एक चाय का आधा भी है। अब हम आ गए हैं कदन के दोस्त के घर, इधर देखते हैं हम अपने दुख को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं। आईफोन ले लिया हमने, बहुत अच्छा आईफोन था, अभी वापस बहरीन की तरफ जा रहे हैं। ये वाला है, शुक्रिया। अभी जाते हैं बहरीन की तरफ, सूर्य डूबने वाला, लेट ना हो जाए, इसलिए 2 घंटे दूर है यहाँ से बहरीन। किधर है भाई, इधर का किधर जा रहे हैं बहरीन? आ जाओ, कभी जहाँ तक भर्ती नहीं है बैठ जाते ना,
आगे उधर भरा हुआ है, पीछे बैठी है, पीछे सही है, तीन तीन बंदे बिठाते हैं पीछे। इस्लामाबाद से मैंगोरा का किराया कितना बताया था? 900, और मैंगोरा से बहरीन का 250 रुपए। जब किसी ने अकेले या फिर दो एक ने आना तो उसके लिए सही है। हाँ जी, नहीं लेने यार, नहीं लेने, मैं बबल भेजने की कोशिश कर रहा है कब से है? ना ना ना, नहीं लेनी, नहीं लेनी। यहाँ पे आपको अच्छी चाय मिलेगी। इसके अलावा एक और आगे भी होटल है, वो जाते हुए मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन वहाँ पे इतना कोई सिटिंग इतनी अच्छी नहीं है फैमिली वगैरह के साथ। यहाँ पे आप फैमिलीज़ के साथ भी आ सकते हो इजीली, चिल सीन है, तो है भी अच्छा खासा, चाय भी अच्छी है। मैं तो कल आया था कज़न के साथ, काफ़ी अच्छा था, मज़ा आया पीने में। अस्सलाम वालेकुम। ये मैं आपका होस्ट शुमैल रज़ा, शुमैल रज़ा यूट्यूब चैनल के साथ, जहाँ पे बेचो चाय तो लाजमी है भाई। चाय तो चाय ऐसे समझ लो पेट्रोल की तरह काम करता है हमारा। चाय अच्छी मिल जाए तो पूरे दिन की थकावट खत्म हो जाती है, अगर चाय ना मिले तो फिर कुछ भी नहीं, दिन ही थका थका सा रहता है। कज़न, चाय का टेस्ट कैसा है? चाय बहुत बेहतरीन, बेहतरीन जी। चाय पी ली अभी हमने, और जहाँ पे हम रुके हुए हैं मेरे कज़न का ही घर है, तो घर के साथ ही उन्होंने मेहमानों के लिए अलग से जगह बनी हुई है, वहाँ पर रुके हुए हैं, वहाँ पर जाने लगे हैं। यहाँ से तकरीबन 4 या 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे है वो, बहरीन बाज़ार से। ये हम मैंगोरा गए हुए थे, 60 किलोमीटर दूर है यहाँ से, मदीन 7 किलोमीटर और वो 60, तो 60 120 किलोमीटर हमने आज किया है। जिस काम से गए थे वो तो हुआ नहीं, खैर क्या हो सकता है। यहाँ पे हमने स्टे किया हुआ है, ठीक है, ये मेरी कज़न का घर है, तो घर के साथ हमने मेहमानों के लिए जगह बनाई हुई है आने के लिए, सोने पीने रहने के लिए। इधर से तो ये मेरी कज़न की बेटी है, मेरे आपसे बड़े हैं ना। हाँ जी, हेलो करो। हेलो, कैसे हो आप सब? ठीक हूँ मामू। अच्छा, ये एक और है बेटी, मामू जी, मामू जी सामने। हेलो करो, हेलो करो कैमरे में। हेलो, हेलो, आप सब कैसे हो? पूछो इससे, मामू से पूछो ना, आप सब कैसे हो? चॉकलेट खा रही हो? मुझे ना इसका जो फेस है, ठीक है, जो स्माइल ये करती रहती है, मुझे ना स्नैपचैट पे एक फिल्टर है, क्या कर रही थी सारा, सैड वाला फिल्टर, जिससे आपके होंठ ऐसे सैड सैड रहते हैं, तो कभी कभी मुझे इसके जो होंठ है ना उस तरह के लगते हैं। आप लोग देखिए तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आपको लगता है कि नहीं लगता ऐसे। हेलो जी, इधर देखो, है ना, लग रहे ना वैसे के वैसे। तो जी, आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, आज का व्लॉग यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टाटा बाय बाय। उम्मीद करता हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टाटा बाय बाय। कज़न, मुझे किसी ने बोला कि पेशावर में आईफोन सस्ते मिलते हैं, बस अब कहीं नहीं जाना हमने।